कदमी करती हुई संबलपुर के मैदान में संबलपुर का जबरदस्त डिफेंस और सात नंबर की जो जर्सी में है वो काफी फुर्तीला है, उनसे अंक जरूर निकलता है। तब मेरे हिसाब से पहला मैच ही डालेगी और जिस तरह से झलकता है और विमर्श करने के प्रयास और विमर्श अंक को प्राप्त करती हुई सफलपुर का रिजल्ट पहला ही रेड में अंक लेने में अभी तक सफल हो चुके हैं। सफलपुर का सात नंबर की खिलाड़ी वाकई लाजवाब प्रदर्शन करती हुई और हाथी सारा का मेन सर्विस है युवा और जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करती हुई जिस तरह से बैक किक लगाया और वाकई में एक अंक प्राप्त करते हुए बराबर का एक ही काम था और यहां पर विमर्श करने के प्रयास जिस तरह से फूर्ति है इस रेडर के पास सफलता है और इसे भी नकारा थोड़ी सी पैर हवा में होना जरूरी है और थोड़ी सी इसमें इतना प्रॉफिट नहीं लगा अंपायर को इसी को नकारा और ये अच्छी तरह से जरूरी जिस तरह से उसका डिफेंस सफलपुर का थोड़ी सी तोड़ने में कामयाब हो चुके हाथी सारा का रेडर बराबरी एक ही काम का दो नंबर की जर्सी में सफल तो करेगा लंबा कद का खिलाड़ी धीमी शुरुआत है यहाँ पर पेट टच करने का जो दावा है वाकई ऐसा लगता है दोनों तरफ से हा ना और निर्णय नहीं दिया गया वाकई नहीं लगा था इस तरह से मुकाबला चल रहा है दोनों ही टीमों से खबा था दो एडार संबलपुर के लिए पहले दो एडार दो नंबर की जर्सी में और सात खिलाड़ी तैनात दिवस अब है दिवस भी प्राप्त कर सकते हैं खिलाड़ी और देखते हैं जो गाँव में क्या प्रयास करते हैं रेडर और सात और यहाँ पर जबरदस्ती का रेडर का कमर रेडर आसान कर दिया था डिफेंडर को पकड़ने हुए और जबरदस्त डिफेंस का मुजहरा दो हजार हाथी सारा की तरफ से और केवल बात समय हो दो अंक हाथी सारा और एक अंक सबलपुर जिस तरह से चयन करने दो खेलों को खिलाते हुए और यहाँ पर वाकई जिस तरह से डिफेंस को तोड़ा संबलपुर का इतना आसानी से तोड़ पाया नामुमकिन से था उसे तोड़ कर दिखाकर छुपे हुए करते हुए हाथी सारा को सात नंबर के खिलाड़ी वाकई इसको चैनल करने के लिए आसान पकड़ने के लिए और इसे आसान करके दिखाया हाथी सारा का डिफेंसर जिस तरह से डिफेंस चलता है उसी तरह से रेड भी
खाना लेना देते हो, ये समय ऐसा क्षण देखने के लिए मिला था समर्थन का, तो इसका आसान बनाते हुए हाथी सारा नौ अंक हाथी सारा यहाँ पर दोनों से अंक प्राप्त करते हुए समर्थन का सर्विसर कॉन्फिडेंस ज्यादा डर चुका होगा नौ नंबर की हाथी सारा का जो रोगा है सुपर रेड कर चुके हैं उनका संदर्भ का डिफेंडर चार नंबर का वो काफी खतरनाक है उससे बचकर खेलेंगे तो शायद पहले ही की में उसे आउट करने का जो नतीजा था हाथी सारा तो तत्काल नंबर का हरीश जिस तरह से डिफेंस में चल रहा है वाकई लाजवाब प्रदर्शन करते हुए हाथी सारा का डिफेंडर दस और दो आठ अंक से पिछले होंगे अब तक संबलपुर मध्यांतर मध्यांतर में हाथों सारा दस और संबलपुर आठ अंक से पीछे जरूर बदले होंगे संबलपुर का खिलाड़ी कोशिश परिवर्तन करने की कोशिश करेगी जो आने वाले छह मिनट का जो समय है लाइन में पहला शब्द जिस तरह से रेडर है और ये बात जो उससे है अच्छी प्रयास अगर नाकामयाब और हाथी सारा जो अंकों का बहुत है उसे बरकरार रखने की कोशिश जरूर करेंगे लेकिन नहीं मिला है अभी तक जिस तरह से सकलपुर का डिफेंस आने वाला मैच में जो देखने के लिए मिला था वो इस मैच में नजर नहीं आ रहा है ना उनका रेडर जो मैं दौड़ा था और यहाँ पर गलती कर रहे थे हाफिज सारा एक अंक प्राप्त करते हुए सकलपुर तीन सकलपुर और दोनों से अंक सकलपुर में छह खिलाड़ी और वहां पर किक करने के प्रयास नौ नंबर के खिलाड़ी हाथी सारा का सुपर रेड कर चुके हैं तो फैसला जाहिर ही बुलंद होगा और यहां पर बोनस करने की प्रयास और यहां पर जो की करते हुए एक अंक प्राप्त करते संबलपुर इस बार मौका है सबके पास इस रेडर को बाहर बाहर रखना होगा आपको मिलते हैं कुछ नहीं बना होगा तो दर्शक बाहर से कमेंट न करें ऑफिशियल डिसीजन देंगे धन्यवाद यहाँ पर ग्रीन कार्ड मिलता हुआ संबलपुर चार नंबर की खिलाड़ियों को अरविंद खेल भावना से खेले खिलाड़ी 80 नंबर पर खेले ग्रीन कार्ड
गहमा गहमी चलता हुआ दोनों ही टीम की हल हल इस बार पीछे डिफेंडर की तरह झूले कर दिए पहले से जानते थे डिफेंडर उसके बाद रेडर को कोई मौका नहीं दिया दोनों तरफ से डिफेंडर चल रहा है यहाँ पर डिफेंस देखने के लिए इस मैदान पर मिल रहा है काफी दर्शक दोनों की तरफ से डिफेंस चलना जरूरी है और रेडर चलना जरूरी है सिंगापुर का दोनों तरफ से ध्यान तलवार की तरह चलेगी तभी इस गेम में वापसी करने का वो कर सकता है वो देखना होगा यहाँ पर अपना नियंत्रण खो दिए थे मगर जो अंत समय में उसे कंट्रोल करके इधर एक अंक प्राप्त करते हुए काफी सारा और उसे पकड़ने पकड़ने की कोशिश काफी सारा अंदर एक अंक अर्जित करते हुए समय को टाइम आउट लेते हुए हाथी सारा केवल दो ही मिनट तो खेल समापन में और तब का अंक हाथी सारा जबकि सात अंक पांच अंक का जो अंतराल तो रेड करना जरूरी क्वार्टर फाइनल की मुकाबला यहाँ से कोई भी टीम हार नहीं चाहेगी दादा देखना होगा चार का डिफरेंस बनस नहीं है कट लेना मुश्किल जरूर होता है करने की प्रयास काफी मेहनत करना होगा उस गेम में अच्छे गाने के लिए और एक हाथी सारा को केवल वे ही खिलाड़ी संबलपुर के मैदान में पहला उनका खतरा जरूर इस बार उनकी लेवर देखना होगा क्या अंदर जाएंगे यहाँ पर अंतिम एक मिनट का समय बाकी उस टीम की समापन में और हाथी सारा 17 अंक 8 अंक संबलपुर जिस तरह से काफी सारा की मुद्दा सुधर गया काफी हलचल मचा चुके हैं और खेल आउट का यहाँ पर समय यहाँ पर सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए हाथी सारा इसमें खेला जाएगा